वेलकम अगेन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ लास्ट वीडियो जो मैं आपके सामने कल शेयर की थी वो आपको पसंद आया होगा। और आज मैं एक्सरसाइज 4 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो डायरेक्ट और एंड इनवर्स वेरिएशन स्टार्ट करने से पहले पहले हम वेरिएशन का मतलब समझ लेते हैं। ऐसे आप समझिए कि वेरिएशन इज इक्वल टू चेंजिंग, मतलब वेरिएशन किसी भी क्वांटिटी में या नंबर्स में जब चेंजिंग होता है, बदलाव होता है, तो उसे हम वेरिएशंस के फॉर्म में मैथमेटिक्स में जानते हैं। तो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है डायरेक्ट वेरिएशन। पहले आप डायरेक्ट वेरिएशन को समझने का कोशिश कीजिए। डायरेक्ट वेरिएशन मीन्स हो गया, जैसे अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं एक्स एंड वाई, अगर एक्स के नंबर्स में, अगर एक्स का नंबर इंक्रीज करेगा, मान लीजिए कि ये एक्स का नंबर अगर 2 है तो वाई का नंबर से ये 3 या 4 हो जाएगा। उसी टाइप से अगर एक्स का नंबर 3 होगा तो इसके 5, अगर एक्स का नंबर 4 होगा तो इसके 6 और 7। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर एक्स इंक्रीज कर रहा है तो वाई भी इंक्रीज करेगा, और यदि एक्स डिक्रीज करेगा तो वाई भी डिक्रीज करेगा। अब मैं आपको इस एग्जांपल के द्वारा और ज़्यादा क्लियरिफाई करना चाहती हूँ। देखिए, मैं मिल्क और नंबर ऑफ मेंबर से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे मैं बताई थी, डायरेक्ट वेरिएशन में अगर एक नंबर इंक्रीज करता है तो दूसरा नंबर भी इंक्रीज करता है, अगर एक नंबर डिक्रीज करेगा तो दूसरा नंबर भी डिक्रीज करेगा। जैसे अगर मिल्क में, मान लीजिए हमारे पास 2 लीटर्स ऑफ मिल्क है और नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे पास हैं 4, ठीक है। अगर मिल्क हमारा 3 लीटर्स हो जाएगा तो नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे हो जाएंगे 6। यहाँ से आप समझ रहे हैं कि मिल्क अगर 2 लीटर हमारे पास है तो मेंबर 6 मेंबर्स में कंज्यूम हो रहा है, और 3 लीटर मिल्क होने पर वो 6 मेंबर्स उसे कंज्यूम करते हैं। अब देखिए, डायरेक्ट वेरिएशन में दोनों एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि एक्स के बढ़ने से वाई भी बढ़ रहा है और मिल्क बढ़ने से नंबर ऑफ मेंबर्स भी बढ़ रहे हैं। अगर एक्स डिक्रीज करेगा तो वाई भी डिक्रीज करेगा, और मिल्क डिक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ मेंबर्स भी डिक्रीज करेंगे। इससे हम यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एक्स बाई वाई इक्वल टू हमारा कांस्टेंट होगा, वेयर के इज डिनोटेड कांस्टेंट। अब डायरेक्ट वेरिएशन का एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू मैं लिख कर रखी हुई हूँ। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले आप समझ लीजिए कि डायरेक्ट वेरिएशन में हमें इस तरह से टेबल अरेंज करके तब उसके लिए हमें सॉल्व करना चाहिए। अब यहाँ देखिए, जैसे एक्स बाई वाई इक्वल टू के, जो कि हमारा डायरेक्ट वेरिएशन का फॉर्मूला हो गया। तो मैं आपको क्वेश्चन में दिखाई थी, एक्स बाई वाई का वैल्यू दिया हुआ है, तो एक्स का वैल्यू अगर हमारे पास 5 तो वाई का वैल्यू 8 इक्वल टू पी बाई 32 इक्वल टू 10/Q। अब इसमें आप समझने की कोशिश कीजिए कि x बाई वाई, जो कि फर्स्ट फॉर्म में हमारा 5/8 दिया हुआ है, सेकेंड फॉर्म में p का वैल्यू निकालना है, और थर्ड फॉर्म में q का वैल्यू निकालना है। तो 5/8 हम पहले p/32 के लिए कॉमन लेकर चलेंगे। इसका मतलब है कि 5/8 इक्वल टू p/32 इस टाइप से अरेंज करेंगे, और इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में 8/p इक्वल टू 5/32, p इज इक्वल टू
फाइव मल्टीप्लाई 32 ऑब्लिक 8 तो p का वैल्यू हमारे पास 20 आ गया। तो यहाँ पर आप देखकर समझ गए होंगे कि 8 मल्टीप्लाई पी इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 32। जब हम p का वैल्यू निकाल रहे हैं तो जब हम 8 को लेफ्ट टू राइट लाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई से ये डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, उसके बाद हम कैंसिल करके हमारा आंसर 20 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज 5/8 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई क्यू, इसमें भी एज इट इज पहले की तरह हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ये आप समझ गए होंगे। 5 मल्टीप्लाई क्यू इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 10, क्यू इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 10 ऑब्लिक 5 इज इक्वल टू 16। तो इस तरह आप देखिए कि p का वैल्यू हमें 20 फाइंड आउट हुआ और q का वैल्यू 16। नेक्स्ट टॉपिक इज इनवर्स और इनडायरेक्ट वेरिएशन। इनवर्स और इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। इनवर्स वेरिएशन में अगर एक नंबर इंक्रीज करता है तो दूसरा नंबर डिक्रीज करेगा, अगर दूसरा इंक्रीज कर रहा है तो फर्स्ट इंक्रीज करेगा। इसको ऐसे आप देख सकते हैं, अगर एक्स हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वाई हमारा डिक्रीज होगा, अगर एक्स हमारा डिक्रीज होगा तो वाई हमारा इंक्रीज होगा, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। अब मैं आपको जैसे डायरेक्ट वेरिएशन में एक्स बाई वाई इक्वल टू के कॉन्स्टेंट बताई थी, उसी तरह इनवर्स वेरिएशन का फॉर्मूला एक्स मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। तो इसे आप फॉर्मूला के फॉर्म में याद रख सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल बनाकर रखी हुई हूँ एक्स बाई वाई, जिसमें एक्स का वैल्यू 52 है तो वाई का वैल्यू 35, एक्स का वैल्यू अगर 28 होता है तो वाई का वैल्यू ए है। अब हमें इस फॉर्म से इसे सॉल्व करना है, एक्स मल्टीप्लाई वाई, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताई थी एक्स मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो एक्स का वैल्यू हमारे पास 52, वाई का वैल्यू 35 इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई ए, इससे हमें ए का वैल्यू निकालना है, तो ए इक्वल टू हमारा हो जाएगा 52 मल्टीप्लाई 35 बाय 28। तो यहाँ पे देखिए 7 से 35 फाइव टाइम्स में और 28 फोर टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, फिर 4 से 52 को हम 13 टाइम्स में डिवाइड किए हैं, इस तरह से हमारा a का वैल्यू 13 मिला, 13 भी मिला और 5 भी मिला। जब 13 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 65। अब जैसा मैथ में आप पढ़ चुके हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑब्लिक टाइम, ये फॉर्मूला आपको पता है, उसी टाइप से टाइम इज इक्वल टू हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑब्लिक स्पीड। अब डिस्टेंस के साथ डिस्टेंस के लिए टाइम और स्पीड का रिलेशन हम देख रहे हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब मैं ऊपर बताए हुए स्पीड टाइम और डिस्टेंस के फॉर्मूला के लिए एक क्वेश्चन डिस्कस करके आपको बता रही हूँ। अ ट्रेन 360 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर,
what time will it take to cross a 140 meter long bridge. अब इसमें देखिए हमें स्पीड दिया हुआ है, स्पीड हमें दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर। तो 45 किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर में चेंज करना है, क्योंकि हमें क्योंकि ट्रेन का लेंथ और ब्रिज का लेंथ हमें मीटर में दिया हुआ है। तो इसे चेंज करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, 45 मल्टीप्लाई 1000। जब 45 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर हमारा मीटर में चेंज हो जाएगा, और पर आवर यानी 1 hour इक्वल टू 3600 सेकेंड्स होते हैं। और इस टाइप से 0 00 कैंसिल, इक्वल टू 25/2 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू, जब 2 से 25 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। यानी 25 किलोमीटर पर आवर को हम 12.5 मीटर पर सेकेंड में इसे कन्वर्ट कर लिए। अब चलिए हमें डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि ऊपर जो मैं फार्मूला आपको बताई हूँ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो स्पीड हम निकाल चुके हैं 12.5 मीटर पर सेकेंड। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए मैं आपको इस क्वेश्चन के आधार पर बता रही हूँ कि ट्रेन का लंबाई हमें दिया हुआ है 360 मीटर और ब्रिज की लंबाई है 140 मीटर। जब इन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर देते हैं तो हमें डिस्टेंस मिलता है। तो ऐसे समझ लीजिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन है और अगर ट्रेन की लंबाई और ब्रिज की लंबाई दिया होगा तो आप दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ये डिस्टेंस मिल जाता है। जैसे कि पीछे आपको मैं बताई थी, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो हमारा डिस्टेंस निकल चुका है 500 और स्पीड हमारा था 12.5 मीटर। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने से पहले जब हम इसके डेसिमल को कट आउट करेंगे तो हमें ऊपर एक जीरो डालना होगा और ये हमारा हो जाएगा 125। इसे हम 25 टाइम्स में डिवाइड करेंगे, 25 5 जा 125 25 2 जा 50, और ये दोनों जीरो, 5 से हम 200 का डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 40 टाइम्स में डिवाइड हुआ। इसका मतलब है कि हमारा टाइम निकला 40 सेकेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ अभी जो मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस की हूँ उसका आंसर और सॉल्यूशन आपके समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे वीडियो अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू, वेलकम अगेन, एंड स्टे होम, स्टे सेफ।